आज किसान की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? आज किसान की स्थिति यह है कि जहां जहां मैं जाती हूं रोकर मुझे कहता है कि आवारा पशु की इतनी समस्या है दीदी, इतनी समस्या है कि हमें किसी न किसी तरह से इससे छुटकारा दीजिए। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया? अपने आप को देश के चौकीदार कहने वाले इन्होंने किसानों को खेत में बिठा दिया है चौकीदारी करने। किसान के खेतों की चौकीदारी कौन करता है? कोई भाजपा का नेता आकर आपके खेतों में बैठता है? कौन बैठता है आपके खेतों में? आप बताइए कितनी समस्या हो रही है आपको आवारा पशु से। बाड़े बनाए, गौशालाएं बनाई, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि बनाई जाएंगी, कुछ नहीं किया। लेकिन चुनाव के पहले, अभी एक महीने पहले जब मैं फैजाबाद गई तो मेरे यहाँ के प्रत्याशी ने मुझे दिखाया कि एक बाड़ा बना दिया। मैंने कहा कब बनाया? अभी अभी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि किसान नाराज है, क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया, वोट लेने का समय आ गया, तो अब समझ में आ गया है कि किसान नाराज है। जल्दी जल्दी से बाड़े बनाओ, एक आध बाड़ा बनाया है, छाव की उस बाड़े में न चारा था और न पानी था, जानवरों को ऐसे धरा गया था, धूप में जानवर गुजारे लेते हुए थे, त्रस्त एकदम। किस तरह की राजनीति है आप? ये राजनीति देश भर में देख रहे हैं आप, बड़े बड़े प्रचार, चुनाव के समय आकर बड़े बड़े वादे देना, जनता से भय से रुकिए कि जनता जागरूक बन जाएगी और सवाल पूछेगी तो जनता को दबाइए और अपने लिए सत्ता रखिए, आगे बढ़िए।